बीएससी कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सर कंप्यूटर फिजिक्स मैथ्स वाले भी साइंस मैथ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। साइंस मैथ साइंस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है तो दो साइंसेज पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं पढ़ी, दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब आप नहीं ले सकते। मतलब गवर्नमेंट, अगर आप ये कह रहे हो कि विदाउट एनी एडिशनल एग्ज़ाम बहुत टीचर बता रहे हैं, सर आप अपना ओपिनियन दो। मैं ओपिनियन नहीं, मैं डाटा रखूँगा जो सामने है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो वहाँ आपको फिजिक्स के साथ दूसरी साइंस पढ़ी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है जहाँ बायो साइंस है ना, कोई भी तो ग्रेजुएशन लेवल की, इट मींस उसका आपको एडिशनल देना पड़ेगा। ये तो साफ बात है, एडिशनल देने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी साइंस का एडिशनल लेती है, कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है और कॉलेज प्रैक्टिकल लेता है, बाकी यूनिवर्सिटी फीस होती है, कॉलेज फीस होती है। ये आगे की जानकारी मैं डिफरेंट वीडियो में दे दूंगा, मुझे पूरा अभी क्लियर नहीं है। तो ये इंटीग्रेटेड है, दो साइंसेज गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट डिमांड करती है कि दो साइंसेज, जैसे सोशल साइंसेज दो पढ़ी होनी चाहिए। तो ये अगर आपको मिल रहा है, आप कर भी लेते हो, तो आपको ये एडिशनल देना पड़ेगा। जीएनडीयू वालों के लिए अभी भी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इनके लिए चलो आसान हो गया। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से आपने की है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला किसी भी प्रैक्टिकल का एडिशनल पेपर नहीं लेती, उनको उनका क्या होगा। अब मुझे नहीं पता कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं है कि वो प्रैक्टिकल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरह लेती है या पटियाला की तरह नहीं लेती। तो टोटल ये है कि एडिशनल देना पड़ेगा, वो अगर वो दे रहे हैं आप कर सकते हो, आप करके वो उनकी बी एड, उन वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको फीस जमा हो जाए, हमारी सीट फिल हो जाए। तो आप लॉजिकली खुद चलो कि मैं, मेरे को अगर मैथ्स तो आप नहीं छोड़ना, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए हो, क्या साइंस लेके मैं दोबारा ये एडिशनल कर सकता हूँ, इतना टाइम और मनी इतना सब कुछ निकाल सकता हूँ और बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट कर सकता हूँ, है ना। तो फिर आप जा सकते हो। अगर नहीं तो आपको फिर कंप्यूटर और मैथ चूज कर लेना चाहिए, कंप्यूटर की पोस्ट कम आती है। ये नहीं तो मैथ और आप साइंस जो है लैंग्वेज ले सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज का एडिशनल देना ईजी होगा। एडिशनल आपको देना ही पड़ेगा बीएससी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और कोई भी ऑप्शन नहीं बचती। अब मेन बात ये है कि ये रहा प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा है कि अगर आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये लिखा है, ये देखिए रेफरेंस लिस्ट फॉर एमएससी कैंडिडेट, द कैंडिडेट विद एमएससी डिग्री एंड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट में चूज सब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिजिकल साइंस आप फिजिक्स के हो तो फिजिकल साइंस ले सकते हो, केमिस्ट्री हो, जियो फिजिक्स है, ऑनर इन फिजिकल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, ये डाटा दिया हुआ है, फिजिक्स है आपके पास, ये आप ले सकते हो। ओके, इट मींस मैथ्स एंड फिजिकल, मैथ्स एंड फिजिकल, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि एमएससी आपकी है। अगर एमएससी है तो फिर तो साइंस ही मिल रहा है आपको सीधा। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रॉस्पेक्टस में बीएससी कंप्यूटर साइंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, लॉजिकली गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया है, उसके लिए एडिशनल देना पड़ेगा। आगे किस यूनिवर्सिटी से की है वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपने लॉजिकल एनालिसिस करना है। तो अगर आपकी एमएससी है कोई भी इनसे है, मान लीजिए एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, है ना, इसमें से कोई भी है, है ना, और भी एक दो है नीचे दिखा देता हूँ वो भी, तो आप माइक्रोबायोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स भी आपकी है, जूलॉजी है, ये वाली साइंस में से है, तो फिर आप टीचिंग ऑफ साइंस ले सकते हो, बेशक आपने ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया मोस्टली ये आता है कि वो सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट में भी हो, अगर पीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए, तो साथ में ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट रेगुलर और इंटीग्रेटेड पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वहाँ आप एलिजिबल नहीं होगे। फिर आपको गवर्नमेंट जॉब का एनालिसिस एक बार कर लेना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी जो मुझे बीएससी कंप्यूटर साइंस का नहीं मिला, हाँ बीई बीटेक के मिले हैं, ये नोट कर सकते हो आप कि वहाँ पर बीई बीटेक को ये साइंस मैथ दे रहे हैं, ये आपका जो है
साइंस कंप्यूटर भी दे रहे हैं, ये इसी का है ना झगड़ा, साइंस मैथ है। तो यहाँ बीई बी टेक साइंस मैथ करके ना साइंस के लिए एलिजिबल है डीजीटी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, ना मैथ्स के लिए एलिजिबल है, दोनों ही पेपर देने पड़ेंगे, ऐसे भी केस हैं, लेकिन इनका दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसकी डायरेक्ट जो है गाइडलाइंस दी जाए, मैंने नोट किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी को कोशिश करूँगा कि ये लिख दूँ, है ना। इसके अलावा और कोई जानकारी आपके कंप्यूटर की नहीं है, कंप्यूटर टर्म 29 बार आया है, 16 बार मैं देख चुका हूँ, अगर आपने देखना है कंप्यूटर लैंग्वेज बन रहा है, बाकी मैं देख चुका हूँ वैसे, तो कोई और जानकारी नहीं है। तो आप अब खुद एनालिसिस अपना कीजिए कि आपको अगर वो टीचर कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, उनके पास साथ पास आप लॉजिकल क्वेश्चन लेके जाओ, अगर वो कहते हैं कि तो फिर आपको कि हमें दिखाओ कि कहाँ नॉर्म्स लिखे हैं, कहाँ वो टीचर अपॉइंट हुए हैं, उनसे बात करवा दो कि बिना इसके एक साइंस के साथ अगर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने साइंस भी की है, तो कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालिसिस खुद करो, मेरा एनालिसिस कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर TGT साइंस टीचर, बेशक आप ये कर लेते हो फिजिक्स के बेस पर। थैंक यू। तो बाकी ऑप्शन हैं आपके लिए कि मैथ नहीं छोड़ना, ये बेसिक है, मैथ के साइंस फिजिकल साइंस बन रही है, मैथ के साइंस कंप्यूटर बन रहा है, मैथ के साथ लैंग्वेज बन रही है, एडिशनल देना पड़ेगा, है ना, कंप्यूटर का एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, फिजिकल साइंस का नहीं देना पड़ेगा, साइंस का लास्ट में बता दूँ, साइंस का और लैंग्वेज का अगर लेते हो तो एडिशनल देना पड़ेगा। थैंक यू।